यार एक सेकंड, ये क्या हुआ? मेरी किस्मत ऐसे टूट के ना हो, मेरे साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि कल मैंने फर्स्ट टाइम चिड़ियाओं के लिए पानी रखा था, तो देखते हैं कितना पानी खत्म हो गया है। देखो कितना सारा पानी पी लिया है उन्होंने, बस इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। तो आज फिर से उनके लिए पानी रख देती हूँ और रोटी रख देती हूँ। देखो कितना सा पानी बचा हुआ है, तो उन्होंने सारा पानी पी लिया है। अगेन हम उनके लिए पानी रख देते हैं। पानी और रोटी रखने के बाद मैं चली जाती हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो चुका है। इसको बंद कर दिया। अभी मैं स्कूल से आकर बैठी थी कि मैंने एक न्यूज़ सुनी। जो नैनीताल है वहाँ पर एक फेमस टेम्पल है गर्जिया देवी मंदिर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग गई है और जितने भी स्टॉल्स थे ना, मतलब प्रसाद के जो स्टॉल थे, उनमें सब में आग लग गई है और सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है वहाँ पे। तो मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सब बच जाए। और बड़ा ही दुख हो रहा है क्योंकि छोटी छोटी स्टॉल्स लगाना और उन पर मेहनत करना, और उन लोगों की जब स्टॉल्स जल जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो बड़ा ही बेकार लगता है, क्योंकि वो पूरा दिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे स्कूल के आसपास की कैंपस में ना बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल हो रखे थे, तो मैं उनमें से ना कुछ गुलाब के फूल लेकर आई हूँ। उनसे मुझे क्या करना है कि इनको सुखाना है और फिर उनसे ना ड्राई पाउडर बना के और फिर मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, तो मेरा फेस और क्लियर हो जाएगा। ओह यार एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ये देख रही हूँ, मैंने सुबह पानी रखा था और सारा पानी गायब। रोटियां तो चलो चिड़ियाओं ने खा ली, बट यार बट इतना सारा पानी एक साथ चिड़िया पी सकती हैं क्या पूरे दिन में? मतलब शाम हो गई है, बंदर तो नहीं पी के चला गया इनका पानी, मेरे को ऐसा भी लग रहा है। बट कोई नहीं, मैं और पानी रख देती हूँ ताकि और पानी पी सके ये। थोड़ा सा पानी रखते हैं अभी। अगर बंदर होता ना तो इस बर्तन को तोड़ ही देता, बट मेरे को लगता है कि चिड़ियाओं ने सारा पानी पी लिया। पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं आती है और पानी भी ठीक ठाक मतलब ठंडा ही रहता है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि धूप से सारा पानी उड़ गया होगा, सूख गया होगा। नहीं, क्योंकि कल भी मैंने रखा था तो पानी भरा हुआ ही था और आज सारा पानी खाली हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि चिड़ियाएँ सारा पानी पी जाती हैं। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. ये देखो चिड़िया अगेन से पानी पीने के लिए आ गई और उड़ गई आवाज सुनते ही। और अब फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना आर्ट वर्क करना शुरू कर रही हूँ मैं। और रात के पता है कितने बज रहे हैं? आप यकीन नहीं करोगे यार, रात के 11:30 बज रहे हैं। दिख रहा है इधर से तो सब कुछ उल्टा उल्टा दिखाई देता है यार, नहीं दिख रहा होगा बट मेरा यकीन करो कि रात के 11:30 बज रहे हैं। जिसको उल्टा पढ़ना आता वो पढ़ सकता है। देखो 11:34 हो रहे हैं और अब लग रहा है कि मेरे को यार थोड़ा तो कुछ काम करना चाहिए। और कल के स्कूल की छुट्टी है, कल है एक फेस्टिवल जिसका नाम मैं आपको अभी बता दी यार, अभी वेट। तो कल एक त्योहार है जिसका नाम है चेटी चंद गाइज। और मेरे को एक्चुअल में इसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा, मेरे को लगता है कि ये गढ़वाल साइड में मनाया जाता है। तो कल उसकी हमारी छुट्टी है, तो मेरे को लग रहा है कि आज मैं रात भर अपना काम कर सकती हूँ, लगभग 1 बजे तक मैं कर सकती हूँ। तो मैं थोड़ा सा तो कुछ पेंटिंग करूँगी और फिर जितना आज हो पाएगा फिर उसके बाद कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि मेरा जो ये ट्राईपोड है ना, पहले टूट चुका है, अब और ज़्यादा टूटने की उस पर लगा हुआ है। तो ये ट्राईपोड टूटा हुआ है, कल पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई थी, मेरी गलती की वजह से ही टूटा है वैसे तो, पर कोई बात नहीं, इसको ही स्टैंड पर लगाना चाहूँगी मैं, ताकि इसको ना अच्छे से ये वीडियो अच्छी बनाता है तो इसलिए। अदरवाइज मेरे पास एक और स्टैंड रखा है, उसको लेकर आती हूँ। ये भी है मेरे पास तो इसका यूज़ कर लेंगे।
वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को कलर करना पड़ेगा इस पर, स्टोन पर। तो मेरे को ऐसा कलर करना है। तो सबसे पहले मेरे को ब्लू कलर करना है, पहले लाइट, पहले डार्क कलर, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट। तो इतना वर्क आज करके छोड़ देंगे और ये ट्री कलर बनाएंगे। ये है गाइस ब्लू कलर, तो थोड़ा सा ब्लू कलर डाल देंगे इसमें। और इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं हम लोग ब्रश की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू कलर रखते हैं और उसके बाद अपने पेपर पे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया, सी में नेल्स के अंदर कलर घुस चुका है। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. ये देखो स्टोन इतना कलर हो गया है। अब इसके बाद मेरे को थोड़ा सा लाइट कलर बनाना है इसी ब्लू कलर का। आपको मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं यहीं पर बोल रही हूँ। तो अब अगेन क्या करते हैं, ब्लू कलर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर देते हैं। और उससे पहले अपने ब्रश को अच्छे से पानी में डिप करके अच्छे से धोएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कलर ज्यादा मिक्स हुए एक दूसरे में। तो व्हाइट कलर को मैं बिल्कुल फ्रेश रखना चाहती हूँ, इसलिए ये देखिए मैंने इसको पूरा प्रॉपर धो दिया। अब करते हैं कलर मिक्स। ये देखिए मेरी स्टडी टेबल पे कितना ज्यादा मैस हो चुका है। और अभी एक मिनट पहले ही मेरा फोन भी भर गया था, पूरा स्टोरेज फुल हो गया था। और मेरा हाथ देखो, तो मैंने सब वीडियोस डिलीट करी है और अगेन व्लॉग शुरू किया है। मेरा हाथ कितना नीला नीला हो गया यार। और ये वाला कलर भी शायद से ड्राई होने वाला है। तो अब इस पर एक कोट इस वाले कलर का कर देते हैं। सीरियसली नहीं पता चल रहा है कि ये बन क्या रहा है। अभी इस पर इतना पेंट हो गया है देखिए। और इसके बाद ये क्या बनेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मतलब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना आ ही नहीं रहा है। बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं इसको स्मूथ बनाती रहूंगी। तब तक लास्ट टाइम तक मैं कोशिश करती रहूंगी। इतने ज्यादा गंदे हाथ होने के बाद फाइनली मैंने करके दिखाया। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है और मैंने इसमें बड़ा ही फाइन तरीके से कलर भी कर दिया है। और आप आपको फोटो दिखाते हो, फोटो में भी देखो ये ऐसा ही बना हुआ है, तो सेम टू सेम ही लग रहा है। और कल इस पे थोड़ी सी और कलाकारी करनी है। बट मैंने क्या किया कि जो ये पीछे वाला पोर्शन था ना, ये पूरा ही खाली छोड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे, और उसके बाद कल इसको फाइनल लुक देंगे। अभी यार मेरे को सोना है। मेरी किस्मत ऐसे टोटके ना हो मेरे साथ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मेरा ऐसे हाथ लगा और ये पूरा कलर नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। मैंने वापस इसको बॉटल में भर दिया। ये देखो इतनी बड़ी पेंटर हो गई हूँ मैं, ये इतना ज्यादा कूड़ा करकट फैला दिया मैंने। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अब और काम करेंगे कल, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज नींद आ गई है। आधे घंटे में किया मैंने इतना सा पेंट, तो लगाओ कितनी बड़ी फुद्दू हूं मैं। तो
अब कल व्लॉग करेंगे और कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी और आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा है और अगर इसमें मैंने कुछ कमी भी छोड़ दिया ना तो वो भी मेरे को बता देना। सो गाइस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, गुड नाइट।